हेलो भैया, 6th फ्लोर से पेशेंट के साथ से बोल रहा हूँ, और ये आप एशियन हॉस्पिटल का वीडियो आप देखिए। इसमें दही में खाने में कीड़े निकल रहे हैं और ये दही खिलाई जा रही है मरीज को, और मैंने भी खिला दी है मरीज को दही, और ये दही देख सकते हैं आप, ये एशियन हॉस्पिटल की क्वालिटी है। और ये मेरा पेशेंट है, और ये इनकी दही है, दही में कीड़े हैं, और वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि वीडियो ना बनाएं। अब आप बताइए कि होगा कैसे ये। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दीपक नागर है। कहाँ रहते हैं? राम जसाना से हूँ, फरीदाबाद, नहर पार फरीदाबाद। एशियन हॉस्पिटल में आप एडमिट थे? हाँ जी। क्या हुआ था आपको? भैया मैं 12 दिन से आईसीयू में था। अच्छा। उसके बाद मुझे वार्ड में लाया गया, तो उसके बाद इन्होंने मुझे खाना दिया। खाने की एक वीडियो आपने भेजी थी हमारे पास, उसमें खाने में कीड़े वगैरह थे, जो दही वगैरह को दही भेजी थी इसने खाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो दही के अंदर 2 चम्मच मैंने खा ली थी, भाई ने खिला दी थी मुझे। भाई ने फिर देखा तो उसमें कीड़े थे भैया। अच्छा। तो इनसे हमने बोला हॉस्पिटल वालों से। अच्छा। तो उन्होंने भैया बात करने से हमसे मना कर दी सबसे। अच्छा। अपनी गलती नहीं मानी? नहीं मानी। अच्छा। और वो है जो HOD है, क्या है वो, MOD था, उससे बात की। वो कह रहा भैया तुम्हें जहाँ वीडियो देनी है दे दो। अच्छा। यहाँ तो ऐसा ही चलता है। अच्छा। यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तुम्हें जहाँ जो कुछ करना है कोर्ट जाओ, कहीं जाओ। आप खाने पीने का पैसा तो देते होगे ना? चार्ज भैया चार्ज पूरा दिया था। अच्छा। जितना भी उन्होंने बनाया था। तो खाने में दही में कीड़े थे भैया, सब पूरे स्टाफ ने देखे थे वहाँ, और पेशेंटों ने भी देखे थे, और गलती भी नहीं मान रहे। गलती नहीं मान रहे। हाँ वो बाउंसर बुला लेते भैया। अच्छा। 2 दिन से तो हम वैसे ही डर के लौट रहे वहाँ। अच्छा अच्छा। कहते तो अस्पताल में आप खुलेपन से नहीं रह सकते, बाउंसर के रह सकते, कैद में रहना पड़ता है। तुरंत बाउंसर आ जाते हैं, उनके धमकी देने लगते हैं, बाउंसर आ जाते हैं। तो देखिए आप लोग, ये एशियन हॉस्पिटल में एडमिट थे, परेशान है, खाने में इनको कीड़ा मिला। भैया मैं आज डिस्चार्ज हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा। 2 दिन से डर के लौट रहा हूँ। भाई साहब आप बताइए, आपने भी वीडियो भेजा था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, अच्छा। और मैं इसके साथ था। अच्छा। तो जो खाना आया उसमें मैंने 2 चम्मच में दही मांगी, मैंने दही खिला दी। उसके अच्छा। बाद जो दोबारा 1 घंटे बाद मैंने दही को दोबारा खिलाने की कोशिश करी, तो उसमें कीड़े निकले थे। अच्छा। मैंने कैंटीन वाला जो लड़का बांटता है खाना उसको बुलाया, तो उसने मुझसे बोला कि सर इसमें कीड़े नहीं है, चींटी आ गई। अच्छा। तो मैंने कहा भाई साहब खट्टी दही में चींटी नहीं आती है, यहाँ पपीता रखा है, जूस रखा है, उसमें चींटी नहीं आई खुला हुआ, इसमें कैसे आ गई? तो वो ये कह के चला गया। उसके बाद वो जो कैंटीन का मैनेजर है वो भी आया है, उसने अपना बोला कि सर ठीक है, जो आगे गलती नहीं होगी। और फिर उसने मुझे अलग बुला के मुझसे बोला कि सर इसको वीडियो को डिलीट कर दो, मेरे लिए जो सेवा होगी मैं आपकी सेवा अच्छा कर दूंगा, कोई खाना है कुछ पीना है आपने वो सब मैं कर दूंगा, लेकिन वीडियो मत बनाओ। अच्छा अच्छा। और बॉडी गार्ड था इनका एक उस टाइम ऑन ड्यूटी, उसने मेरे को मना किया था कि वो वीडियो मत बनाइए। अच्छा। तो वीडियो तो मैंने यानी अस्पताल में वीडियो भी नहीं बना सकते, कुछ भी खिला दें, हम यहीं सॉर्ट आउट कर देते हैं। अच्छा। और अब तक हाई जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अब तक किसी भी बड़े अफसर की कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी मेल, कोई भी सॉरी, कोई भी गलती मांगने कोई भी नहीं आया। इनके थेरेपिस्ट को पता है, डाइटिशियन को पता है, और HOD को पता है, वीडियो HOD देख चुका है। अच्छा। HOD का ये कहना है कि सर आपकी कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट कर लीजिए आप। अच्छा। कुछ नहीं कर, कोई कंपनसेशन यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, कल के डिस्चार्ज हम आज जा रहे हैं, हम डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से, ये सर्विस है एशियन की। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। ओके सर। तो दोस्तों मरीज से हमने बात की, मरीज काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए डिस्चार्ज होने के बाद अपनी परेशानी बताई है। इस मामले में एशियन हॉस्पिटल के क्लैरिफिकेशन आने का इंतज़ार है। नमस्कार।